हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। पर इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले बच्चों, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डाला हुआ है, पहले वो कंप्लीट देखो, उसके बाद यहाँ से आपको सब कुछ समझ आएगा। देखो, पहला एग्जाम्पल हम करते हैं। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात आ गई। वेक्टर की, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। आपको ए क्रॉस बी निकाल के और उसका क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले तो क्या निकालो, ए क्रॉस बी। कभी भी आपको लाइफ में दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों निकालनी पड़ जाए तो मैंने क्या मेथड आपको बताया है, डिटर्मिनेंट मेथड। यानी कि ऊपर लिखो आई जे के, फर्स्ट रो के अंदर लिख दो आई जे के, सेकेंड रो के अंदर बच्चों एक एक कोफिशिएंट है ना, एक एक कंपोनेंट्स लिखो 2, 1, 3 यानी कि आई जे के कोफिशिएंट, साइन का ध्यान रखना है। और सेकेंड रो के अंदर बी यानी कि 3, 5 और कितने -2। बस इस डिटर्मिनेंट को आपको सोल्व करना आता ही है। क्या आएगा बताओ, आई, और ये कितना आएगा -2 माइनस के 15 और माइनस जे और -4 माइनस के 9 और प्लस के, और ये कितना आएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। इसको तो आपको सोल्व करना आता ही है। माइनस के 17 आई और -13 माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस कितना आ गया आपका 7 के। लेकिन आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए क्रॉस बी जो वेक्टर निकल के आया है उसका बच्चों क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आप सब जानते होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 7 का स्क्वायर होता है 49। आप इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। 9 3 जा 27 कैरी 2, ये कितना हो गया आपका बच्चों 6 हो गया। 2 और 4 6 22 और 28 आपका हो गया 50। 507 आपका 3 पे कट तो रहा है, देख लो 3 से डिवाइड करोगे 3 16 जा 3 9 जा। और ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है ना, ये तो 13√3 इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर्स दिस एंड दिस। बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर ये बात बताई है कि जब भी आपको एक वेक्टर निकालना हो, यूनिट वेक्टर तो बाद की बात है, यूनिट वेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे, जो परपेंडिकुलर हो किसके, इन दोनों वेक्टर्स के, दिस एंड दिस। एक रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू। आप यूनिट को छोड़ दो क्योंकि एक वेक्टर को यूनिट बनाना तो हमारे हाथ में है, उसकी लेंथ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। पूरे वेक्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेक्टर के अंदर भी, 3D के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कि किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जो वेक्टर, वो क्या होता है बच्चों, उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे तो वो निकाल ही लेंगे, इस वेक्टर को लेंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। अब इस क्वेश्चन में देखना क्या है, आपको जो वेक्टर निकालना है ना वो इसके और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले तो आप कहोगे सर पहले तो वे वेक्टर निकालो जिनके दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो वेक्टर। तो मैं कहता हूँ निकाल लो फिर ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे ए और बी के परपेंडिकुलर नहीं निकालना बल्कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो पहले तो ए प्लस बी निकालो, दोनों वेक्टर को ऐड करो, कितना होएगा 2i प्लस 3j और प्लस में 4k। फिर क्या निकालो आप, a माइनस बी माइनस करो, i में से आई गया 0 और j में से माइनस 2j करोगे तो कितना आएगा माइनस का j और ये कितना आएगा आपका माइनस का 2k। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये एक वेक्टर है, इसको c वेक्टर मान लो। आप अपने दिमाग में इसको क्या मान लो, c वेक्टर मान लो। ठीक है, इसको c वेक्टर मान लो और इसको क्या मान लो बच्चों, d वेक्टर मान लो। नाम वेक्टर का हमने नाम दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने क्या किया है, लेट किया है। लेट इसलिए कर लिया ताकि मेरे को ये a प्लस बी और a माइनस बी बार बार ना लिखना पड़े। अब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो c और d दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। पहले तो क्या निकालोगे बच्चों, c क्रॉस d निकालोगे, है ना। पहले तो आप इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, आई जे के। ये कितना होता है 2 3 4 0 -1 -2। निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट आई। ये कितना होएगा -6 प्लस 4 माइनस जे और ये कितना होएगा माइनस का 4 और प्लस के और ये हो जाएगा अपना माइनस के 2। तो ये आ गया -2i प्लस 4j और -2k। अब साथ साथ में इसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, जरूरत पड़ेगी अपने को, मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। तो ये कितना आ गया बच्चों, 4 प्लस में 16 प्लस में 4 यानी कि √24। अब आपको क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो C और D दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो यही तो होता है C क्रॉस D। तो क्या दिखेंगे हम, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर यानी कि C क्रॉस D जो वेक्टर आपने निकाला है ना, इसको इसकी लेंथ से क्या कर दो डिवाइड, इसको इसकी लेंथ से क्या कर दो डिवाइड। आप ये मत समझना सी क्रॉस डी दो वेक्टर है, आप एक ही वेक्टर है ये, है ना। सी क्रॉस डी तो इसका नाम है, इसको आप अपने दिमाग में ई वेक्टर मान लो, है ना, ये है। तो लेकिन बाहर क्या लगा दिया करो बच्चों, प्लस माइनस का साइन लगा दो, बाहर क्या लगा दो, प्लस माइनस का साइन। ये दो, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, मैंने आपको बताया हुआ है। देखो एक मान लो ये ए वेक्टर है, एक मान लो ये बी वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो। तो एक वेक्टर कहाँ हो सकता है, देखो ये ऊपर हो सकता है इस डायरेक्शन में, और एक नीचे हो सकता है ना। अगर ये मान लो ए क्रॉस बी है बच्चों, तो ये क्या है आपका माइनस ए क्रॉस बी है ना, ये क्या होता है आपका माइनस ए क्रॉस बी। तो दो वेक्टर काम करते हैं जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए प्लस माइनस का साइन बाहर लगा दिया करो। तो आपको क्या करना है, सी क्रॉस डी कितना है, देखो ऊपर सी क्रॉस डी -2i प्लस 4j माइनस 2k, और इसको √24 से डिवाइड कर दो। √24 क्या होता है, 2√6 होता है। तो इसको बच्चों 2√6 से क्या कर दो डिवाइड, सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट आप डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, है ना, -1/√6 आई, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2/√6 जे, और माइनस कितना आ जाएगा 1/√6 के। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, और साथ में साइन क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा ना, वो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो फिर इस वेक्टर को खुद की लेंथ से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24, आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का मैंने आपको क्या बताया था तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या होता है बच्चों, ए बी वैक्टर, एक बार ए बी वैक्टर निकाल लो, एक बार ए सी वैक्टर निकाल लो, है ना। ए से पास होने वाले दोनों वेक्टर निकाल लो, ए से बी, ए से सी, इनका क्या कर दो मैग्नीट्यूड निकाल दो, और 2 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड। यही क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेयर ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर क्या है, जो इसकी साइड को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट है बच्चों आपका ए, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 1, 1, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 2, 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 3, 1। पहले आप क्या निकालो, देखो ए से पास होने वाले दोनों वेक्टर, ए से बी और ए से सी, ये दोनों निकाल लो। पहले ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर के लिए क्या करते हैं बच्चों, बी वाले पॉइंट पे से ए वाला माइनस करते हैं, है ना, यानी कि 1 - 1i प्लस 2 - 1j प्लस 3 - 1k। ये कितना हो गया आपका 0i प्लस जे प्लस 2k, ये हमने निकाल दिया ए बी वैक्टर। अब आप क्या निकाल लो, ए सी वैक्टर निकाल लो। ए सी वैक्टर देखो, ए सी का मतलब सी में से ए माइनस करेंगे, है ना, तो 2 - 1 और फिर 3 - 1 और फिर 1 - 1। तो ये बच्चों आ गया आई प्लस 2j प्लस 0k आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए बी की और ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद तो सब कुछ अपने को निकालना आता ही है, पहले वाली कहानी है सारी कुछ। ये कितना आ गया 0, 1, 2, ये 1, 2 और 0, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी आती है हमारे को दो वेक्टर की। कितना आएगा ये 0 - 2 - 4 माइनस का j, और ये कितना आ गया आपका 0 - 2 यानी कि माइनस का 2 और k, और ये बच्चों आएगा आपका माइनस का 1। तो ये आएगा माइनस के 4i और प्लस के 2j और माइनस k वेक्टर। हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इस वेक्टर का क्या निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड निकाल लो। कितना आ गया देखो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी कि √21। लेकिन हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है बचाओ, ये जो मैग्नीट्यूड है ना इन क्रॉस प्रोडक्ट का, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, ये एरिया, एरिया किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया हमेशा किस में लिखा करो, स्क्वायर यूनिट्स। तो √21/2 स्क्वायर यूनिट्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान, सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए से पास होने वाले दोनों वेक्टर निकाल लो, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसका डिटरमिनेंट निकाल के, सॉरी आपका मैग्नीट्यूड निकाल के, और उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। बस ट्रायंगल और इसके फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड नहीं करना, एक मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसकी एडजेसेंट साइड को डिनोट करते हैं दो वेक्टर। एडजेसेंट यानी कि ये वाली और ये वाली, ये साइड है मान लो आपकी ए बी सी टी, इसको डिनोट करता है, मान लेते हैं ए वेक्टर है 3i + j + 4k और इसको डिनोट करता है बी वेक्टर i - j + k। ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया। अब हमारे से पूछा गया इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इन दोनों की वही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और उसका क्या निकाल दो, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि उसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। बस 2 से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे ट्रायंगल में 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करते। तो ए क्रॉस बी निकालो पहले, ए क्रॉस बी, और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या मेथड है, आई जे के, और फिर कोफिशिएंट देखो 3 1 4 और 1 - 1 1 1 - 1 1। सोल्व कर लो इसको, आई कितना आ गया बच्चों 1 + 4 यानी कि 5। डिटरमिनेंट तो हर बच्चे को सोल्व करना आता ही है। और ये कितना आ गया 3 - 4 और ये आपका आएगा -3 - k1 यानी कि 5i + j और -k 4k। अब क्या निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों इसका, 5 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया √42। √42 स्क्वायर यूनिट्स हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दोनों एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और क्या कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, वही हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अब देखो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 10.4। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करा रहा, सिर्फ आपको पहले जैसे एग्जाम्पल था ना बिल्कुल सेम आज का पहला एग्जाम्पल, ए क्रॉस बी निकालना है और फिर उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में यही जो आपका सेकंड एग्जाम्पल था आज के लेक्चर का, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर हो इसके और इसके, है ना, सेम एज एग्जाम्पल, बिल्कुल एज इट इज, कोई भी फर्क नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, वो एंगल बनाता है π/3 π/4 और एक्यूट एंगल थीटा विद के वेक्टर, यानी कि ये π/3 बनाता है बच्चों आई वेक्टर के साथ और π/4 बनाता है जे वेक्टर के साथ और थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, के वेक्टर के साथ। ये आई जे के क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना आई जे के क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये मान लो आप एक एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका जेड एक्सिस है। आई जे के क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई बोलते हैं, ठीक है, ये आई कैप होता है। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे बोलते हैं और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, के बोलते हैं, ठीक है, ये आई जे के होता है। तो कहता है एक ऐसा वेक्टर है ए वेक्टर, मान लेता हूँ मैं ये ए वेक्टर है आपका, ये क्या है ए वेक्टर है और यूनिट वेक्टर भी है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1। ये आई के साथ एंगल बनाता है कितना π/3, मतलब कि ये ब्लैक वाला वेक्टर इस आई के साथ एंगल बना रहा है कितना π/3 और यही जो है अपना जे के साथ बना रहा है π/4, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है π/4 और के साथ एंगल बना रहा है बच्चों कितना थीटा, के साथ अपना एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो है के साथ एंगल बना रहा है बच्चों कितना, थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा निकालो और फिर उसके कंपोनेंट निकालो। तो कंपोनेंट तो बाद की बात है, देखते हैं सॉल्यूशन। देखो जब भी ए एक यूनिट वेक्टर हो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी ए यूनिट वेक्टर हो तो ए को क्या मानते हैं बच्चों, ए वेक्टर को LI LMN, इसके डायरेक्शन को साइन है ना MJ और प्लस में NK। ये LMN क्या होते हैं, वेयर LMN ये होते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। जब भी ए वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं बच्चों हमेशा ही वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अगर यूनिट वेक्टर नहीं हो तो फिर क्या होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन मान लो। अब ये बताओ मैं अगर आपको पूछूं कि एल क्या होता है, आप कहोगे जी एल होता है कोस एल्फा, है ना, कोस एल्फा। और एल्फा क्या होता था, जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है यानी कि π/3, तो कोस π/3, कोस 60 सब बच्चे जानते हैं कितना होता है 1/2। एम होता है बच्चों कोस बीटा और बीटा कितना है यहाँ पे π/4, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2। एन क्या होता था आपका कोस गामा यानी कि कोस थीटा, ये क्या है बच्चों आपका कोस थीटा है। तो अब हमारे को एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट L² + M² + N² ये कितना होता है 1 ये तो बच्चों सबको ही पता है क्या होता है, वन होता है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये है ना को LMN इक्वल टू क्या हो गया 1। ये 1/4, ये 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से सोल्व करके कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, देखो 1 में से 1/2 घटाओगे 1/2 और 1/2 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 1/4, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपका 1/4 आ गया। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि कोस थीटा आपका कितना आ गया 1/2। मैं पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि थीटा क्या है बच्चों आपका अक्यूट है, थीटा आपको अक्यूट एंगल क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि ये क्या होता है कोस 60 होता है, कोस 60 होता है तो यानी कि थीटा कितना आ गया आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या बोलते हैं π/3। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, थीटा की वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है। ये हो गया ए क्वेश्चन तो खत्म। फिर कहता है कंपोनेंट भी निकालो ए वेक्टर के। बच्चों ए वेक्टर था कितना, देखो ध्यान से देखो ना, हो जो आपका ए वेक्टर था ना वो क्या था LI प्लस MJ और प्लस में NK, यही था। वेयर L क्या था बताओ, आपका L था कोस अल्फा, और कोस अल्फा, अल्फा का मतलब देखो ये निकाल रखिए ना कोस π/3, कोस π/3 यानी 1/2। M क्या था आपका 1/√2 था, कोस π/4, और N आपका कितना होएगा फिर कोस 60 है ना, जो अभी निकाला है हमने थीटा। तो ये π/3 कोस π/3, कोस π/3 कितना होता है बच्चों, कोस π/3 होता है 1/2। ये हो गया अपना 1/2। सो ए वेक्टर देखना यहाँ से क्या आ गया, ए वेक्टर बच्चों आ गया एल, एल का मतलब 1/2, 1/2 आई और फिर 1/√2 जे और फिर 1/2 के। तो इसके कंपोनेंट निकालने हैं, इसके बच्चों क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स निकालने हैं। स्केलर कंपोनेंट बता दो, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कौन कौन से हैं, 1/2, 1/√2 और 1/2। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स। अगर आपसे पूछे वेक्टर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, 1/2 आई, 1/√2 जे, इनके आगे आई जे के लगा दो, और 1/2 के। इनको क्या बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो ये क्या हो जाएंगे आपके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, शो करना है a-b क्रॉस a+b इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। तो प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस करनी है a+b से। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी जो a वेक्टर है ना इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो इस पूरे से, है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर से, और फिर बीच में माइनस का साइन, और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट में लगाते थे ना वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में लगाते हैं प्रॉपर्टी, बस वहाँ डॉट यहाँ क्रॉस। अब देखो a क्रॉस a की a से क्रॉस करेंगे, फिर प्लस a की किससे क्रॉस करेंगे, b से क्रॉस करेंगे, माइनस b की a से क्रॉस करेंगे और माइनस b की b से क्रॉस करेंगे। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि सेम वेक्टर की a क्रॉस a बच्चों हमेशा ही क्या होता है 0, एक वेक्टर की खुद से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है आंसर 0। क्यों आता है मैंने सारी डिटेल बता रखी है आपको, ये 0, ये a क्रॉस b। अच्छा b क्रॉस a है, अगर इसको माइनस का साइन लगा दे तो ये a क्रॉस b, क्योंकि देखो अगर a क्रॉस b को कोई बच्चा लिखना चाहे b क्रॉस a तो उसको साइन क्या लगाना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होती। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको उल्टा करके लिख दो, और b क्रॉस b क्या होता है 0। तो फाइनली आंसर आ गया अपना a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b की 2 बार एडिशन हो रही है तो ट्वाइस लिख सकते हैं इसको, 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। और यही आपको प्रूव करना था, देखो राइट हैंड साइड लेके आनी है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका, आपको लैम्डा की और म्यू, इसको क्या बोलते हैं लैम्डा और इसको क्या बोलते हैं बच्चों म्यू, MEU, ये सिंबल होते हैं मैथ्स के, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं वैसे जब हायर मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिंबल होते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा लैम्डा पाई, ठीक है बहुत सारे होते हैं, पाई होता है, शाई होता है, ये है। तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है कि इन 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। बच्चों क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, देखो इसको ए वैक्टर मान लो आप, इसको p वेक्टर मान लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है बताओ, a क्रॉस b क्या है, जीरो है, a क्रॉस b क्या है, एक जीरो वेक्टर है। अब आप अपनी तरफ से a क्रॉस b निकालना। a क्रॉस b आपको गिवन है बच्चों जीरो वेक्टर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, लिखना है आपको लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, दैट इंप्लाइज, और क्रॉस प्रोडक्ट तो मेरे को पता है कैसे निकालते हैं, आई जे के। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, 6 और 27, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट लैम्डा और k का कोफिशिएंट म्यू, ये किसके इक्वल है बच्चों, जीरो वेक्टर है, ये क्या है जीरो वेक्टर। तो हम इसको सोल्व करते हैं आगे, देखो i और साथ में क्या आएगा आपका 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा माइनस j, और ये कितना आएगा आपका 2 म्यू माइनस 27 और प्लस k, और ये कितना आएगा बच्चों 2 लैम्डा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर को 0i प्लस 0j प्लस 0k तो लिख ही सकते हैं। अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ i j k के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। क्या कर दो बच्चों, इक्वेटिंग, दो वेक्टर इक्वल है ना, इक्वल कब होते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k, यानी कि यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, देखो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, और उधर कितना है 0 है ना। इधर j का कोफिशिएंट देखो माइनस का साइन भी है बाहर, और उधर क्या है 0, और इधर आपका k का कोफिशिएंट 2 लैम्डा माइनस 6 और इधर क्या है 0। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आपको लैम्डा और म्यू निकालना है। मैं तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, यहाँ से लैम्डा आ गया कितना 3, चाहे लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो है ना, यहाँ, या फिर इससे म्यू निकाल लो अलग से, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू कितना आ गया आपका बच्चों 27, म्यू कितना आ गया आपका 27/2। दोनों ही आपकी लास्ट इक्वेशन से सोल्व करके मैंने वैल्यू निकाल दी। हाँ, अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा आंसर सही है, तो लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकाली ना, वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो है ना। 6 इंटू म्यू, म्यू कितना बच्चों 27/2, माइनस 27 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 3, निकालना। ये कितना आएगा 81 और ये भी कितना आएगा 81, आ गया ना देखो 0, ये 0 इसके इक्वल आ गई, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन था। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखी है, आप खुद से निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट और उसको 0 रख दो, कोफिशिएंट इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। 6th क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, और ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों है इसमें। देखो ध्यान से सुनो, a डॉट b क्या है 0, गिवन है ये a डॉट b 0 और a क्रॉस b भी 0, मतलब कि दो ऐसे वेक्टर बच्चों जिनकी डॉट प्रोडक्ट भी 0 और जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। वट कैन यू कंक्लूड अबाउट दी वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर, कहता है a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉपर्टी होती है। आप मेरी बात ध्यान से नोट कर लो, ये बात तो इम्पोर्टेंट नोट की, इम्पोर्टेंट नोट क्या होता है, इफ a डॉट बी 0 हो बच्चों, a डॉट बी क्या हो 0 हो, तो मेरे को ये बताओ क्या जरूरी है क्या इन दोनों में से एक वेक्टर का 0 होना। आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है, मैंने प्रूव करके बताया था। देन इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, दैट a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मतलब कि मैं कहता हूं अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो, दोनों नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो सकती है। कैसे, मैं एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे, लेट कर लो a वेक्टर को क्या माना था बच्चों मैंने, i वेक्टर, i वेक्टर का मतलब i वेक्टर प्लस 0j प्लस में 0k, मैंने आपको सब कुछ प्रूव करके बताया था लास्ट लेक्चर में। और b वेक्टर को j वेक्टर मान लो, यानी कि 0i प्लस 1j और प्लस 0k। ये दो वेक्टर बच्चों कैसे हैं, ये नॉन जीरो वेक्टर है, दीज टू वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी कि कोई भी इनमें से जीरो वेक्टर नहीं है हेयर, और इनकी डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो मैंने ये प्रूव कर दिया दोबारा से कि दो ऐसे वेक्टर भी हो सकते हैं जो दोनों नॉन जीरो हो खुद और उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट, इफ a क्रॉस b, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप लिख लेना, और हर तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको ये। अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एक जीरो वेक्टर आए, तब भी वही रूल, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मैं कह रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट 0 आए तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक 0 हो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए तब भी ऐसा जरूरी नहीं है। लेट कर लो, मैं आपको ऐसे दो नॉन जीरो वेक्टर के एग्जांपल देता हूँ जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी आपकी 0। ए वेक्टर को आप कुछ भी मान लो, आई प्लस जे प्लस के, है ना। बी वेक्टर को इसका एक स्केलर मल्टीपल, मतलब कि ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स, ट्वाइस मान लो, है ना। टू आई प्लस टू जे प्लस टू के। ये बताओ ये दोनों वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है ना। ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, नॉन जीरो वेक्टर्स है। और आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते बताओ, आई जे के, वन वन वन, टू टू टू। आपने अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो बच्चों, तो यहाँ से टू कॉमन ले सकते हो। थर्ड रो में से टू कॉमन ले रहा हूँ मैं, है ना। थर्ड रो में से मैंने टू कॉमन ले लिया। अब ये बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो क्यों होगी, क्योंकि इसमें R2 और R3 दोनों बच्चों क्या है, आइडेंटिकल है। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है डिटरमिनेंट की, जीरो। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि कोई दो वेक्टर नॉन जीरो है दोनों, लेकिन फिर भी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ सकती है। दो रूल हो गए। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि दो ऐसे वेक्टर है जिनकी डॉट प्रोडक्ट भी जीरो और जिनकी क्रॉस भी जीरो, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से एक भी जीरो ना हो। फिर दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा बच्चों, तीसरा रूल लिख लो, इफ ए डॉट बी भी जीरो है एंड ए क्रॉस बी भी जीरो है। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी जीरो और दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो एक ही साथ, देन वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो, मस्ट बी ए जीरो वेक्टर। और इन कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए कि ए डॉट भी अकेली जीरो है तब तो काम चल जाएगा बिना जीरो करे भी, क्रॉस भी, लेकिन एक साथ दोनों जीरो है डॉट भी क्रॉस भी, तब उनमें से किसी एक वेक्टर को जीरो होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा ये मैं इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो इसमें ये दे रखा है ना कि ए डॉट बी भी जीरो है, ए क्रॉस बी भी जीरो है। तो आपसे पूछ रखा है कि आप ए और बी वेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मेरा आंसर आएगा कि दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन क्यों होना पड़ेगा मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बाकी दोनों रिजल्ट प्रूव करे, ये भी मैं प्रूव कर देता हूँ। पहला रिजल्ट देखो, ये क्या है बच्चों, जीरो है। अच्छा, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। दिस इंप्लाइज, ये कब हो सकती है, या तो ए वेक्टर जीरो हो जाए। बच्चों दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो कब पॉसिबल है, आप बताओ मेरे को। या तो ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर हो जाए, है ना, जीरो वेक्टर दिखना है हमेशा, या बी वेक्टर जीरो हो जाए बच्चों, या क्या वेक्टर हो जाए, बी वेक्टर जीरो। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। बताओ परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब भी तो डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, जीरो, है ना। या तो परपेंडिकुलर हो जाए, या ए जीरो हो जाए, या फिर बी जीरो हो जाए, एक कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन, ए क्रॉस बी आपकी क्या है, जीरो वेक्टर है, इसका मतलब भी वही, या तो ए वेक्टर बच्चों जीरो हो जाए, या आपका बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए, या फिर और दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल या कोलिनियर। मैंने बताया था ना कोलिनियर हो जाए, मतलब कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों, एक वेक्टर दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो। ये फर्स्ट कंडीशन नाम दे दो इसको, और इसको सेकंड कंडीशन। दोनों एक साथ ट्रू कब पॉसिबल हो सकती है, ये मेरे को बताओ। क्या दुनिया में कोई ऐसे दो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर भी हो और जो पैरेलल भी हो, मतलब कि हम ये कह रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये तीसरी कंडीशन तो खारिज होगी, है ना। बट यानी कि दो सेम वेक्टर ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर भी हो जाए और पैरेलल भी। हमने इन दोनों कंडीशन में क्या ढूंढना है बच्चों, कॉमन। हमने दोनों इस कंडीशन के अंदर क्या ढूंढना है, एक कॉमन रिजल्ट ढूंढना है। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। पैरेलल और परपेंडिकुलर चीजों में ये दो लाइन पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर दूसरा रिजल्ट बन गया, दैट इंप्लाइज। दूसरा रिजल्ट क्या रह गया फिर, या तो देखो ए जीरो और बी जीरो, ए जीरो और बी जीरो दोनों में है ना, यानी कि आइदर दूसरा कॉमन रिजल्ट बच्चों क्या रह गया आपका, आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। और यही हमारा आंसर है। मैंने कहा था ना, यही बात तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि अगर डॉट बी और क्रॉस बी दोनों जीरो हो तो उनमें से एक वेक्टर को जीरो होना पड़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए जीरो वेक्टर। आप समझ गए मेरी बात। यानी कि इसने पूछा था कि इन दोनों वेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहोगे, तो हमने कह दिया दोनों में से कम एक को जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी मैंने डिटेल यहाँ पे लिखी थी। अब ये देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आसान क्वेश्चन है। आपको कहता है तीन वेक्टर दे रखे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। प्रूव करना है। देखो वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी प्लस सी को आप कैसे लिखते हो, ए की क्रॉस कर दो बी के साथ और प्लस में ए की क्रॉस कर दो किसके साथ, सी के साथ। जैसे नंबर में करते हैं 2 × 4 + 5, आप इसको क्या लिखते हो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ और प्लस का साइन, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। एक ही बात होती है ना, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी होती है। लेकिन कहता है शो करो, लेकिन कहता है बच्चों शो करो कि ये ऐसा होगा, तो हम कर लेते हैं शो। एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे बच्चों, इक्वल आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको ए की क्रॉस करनी है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। तो पहले तो बी प्लस सी निकालो, पहले तो आप b प्लस सी निकालोगे तभी तो क्रॉस कर पाओगे ना। b और c वेक्टर को प्लस करो, क्या होगा देखो, b ये b वेक्टर है, ये क्या है b वेक्टर, ये क्या है आपका a वेक्टर और ये क्या है बच्चों c वेक्टर। b और c को प्लस करो मतलब i का कोफिशिएंट i के साथ ऐड होएगा, तो क्या आ जाएगा b1 + c1, b1 + c1 i, ऐसे ही b2 + c2 j और फिर b3 + c3 k। ये आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, b प्लस सी वैक्टर आ गया। नाउ हम क्या निकालना चाहते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहती है a क्रॉस b प्लस सी निकालते हैं। देखो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ऊपर तो क्या आता है i j k आता है, नीचे क्या आएगा बताओ। यहाँ पे जो पहला वेक्टर है a वेक्टर, इसके कंपोनेंट कितने हैं, a1 a2 a3 और फिर इस दूसरे वाले वेक्टर के, ये है तो एक पूरा वेक्टर ही ना। कौन सा, ये रहा देखो ऊपर लिखा हुआ है, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे बच्चों, b1 + c1 और ये b2 + c2, ये b3 + c3। अब आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर जब आपने सोल्व किया होगा तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ब्रेकिंग द डिटर्मिनेंट या स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। आप इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे अगर देखो प्लस का साइन है ना तीनों में, तो आप क्या कर सकते हो, पहली और दूसरी रो को सेम लिखो आई जे के। ये नई बात नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी। देखो दोनों डिटर्मिनेंट के अंदर पहली और दूसरी रो को क्या लिख दो बच्चों, सेम लिख दो, a1 a2 a3 और बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस का। थर्ड रो के अंदर b1 b2 b3 लिख दो और प्लस यहाँ पे क्या लिख दो, c1 c2 c3 लिख दो। समझ रहे हैं मेरी बात, ये लिख दिया मैंने। ये क्या आ गई बच्चों, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या आ गई मेरी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड, वैसे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये पहले वाला डिटर्मिनेंट, ये क्या है बच्चों, a क्रॉस b है। क्यों, आप a क्रॉस b जब निकालोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, i j k, यहाँ पे a1 a2 a3 है ना, यहाँ पे b1 b2 b3, या फिर यहीं से लिख दो आप। इसको क्या लिख दो बच्चों, ये क्या है a क्रॉस b है और ये क्या है आपका बताओ, ये यहाँ पे a के कंपोनेंट्स है और यहाँ पे c के है। ये क्या है आपका a क्रॉस c। देख लो, यही तो प्रूव करना था, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड। तो बस इसी से लिख दो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि a क्रॉस b है, ये वाला डिटर्मिनेंट a क्रॉस b को रिप्रेजेंट करता है और ये a क्रॉस c को। यही प्रूव करना था, बस एक ही प्रॉपर्टी इसमें काम आई, क्या, ब्रेकिंग द डिटर्मिनेंट या स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। खत्म क्वेश्चन। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में, इसमें यह कहता है इफ आइदर a = 0 और b = 0। ऐसा क्वेश्चन हमने, सेम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 10.3 इसमें भी किया था। वो किस पे था रिलेटेड बच्चों, डॉट प्रोडक्ट पे। वो किस पे बेस्ड था, डॉट प्रोडक्ट पे, कि एक दोनों में से एक वेक्टर अगर 0 हो जाए तो उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती थी, 0। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं था। वही अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, यहाँ पे भी ऐसे ही है। कहता है अगर दोनों में से एक वेक्टर 0 हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट पक्का 0 होगी। लेकिन क्या कन्वर्स ट्रू है, क्या कन्वर्स ट्रू है, अगर ट्रू है तो आप मेरे को एग्जाम्पल देके जस्टिफाई करो, और नहीं है तब भी मैं कहता हूँ कन्वर्स तो ट्रू नहीं है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि तो मैं ऐसे नॉन जीरो वेक्टर ले सकता हूँ जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए, तो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू लिखते हैं। नीड नॉट बी का मतलब होता है इसका ट्रू होना जरूरी नहीं है, मतलब कि हो सकता है दोनों में से अगर एक 0 हो जाए, लेकिन कई बार नहीं भी होता, कई बार क्या हजारों बार नहीं होता। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू मतलब कि जरूरी नहीं है ऐसा कि अगर a क्रॉस b 0 है तो दोनों में से एक वेक्टर का 0 होना पक्का है। नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे मेरे पास हजारों वेक्टर है जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी, लेकिन उन दोनों में से एक भी वेक्टर 0 नहीं होगा। लेके दिखाऊँ आपको, देखो लेट कर लो, तो कोलिनियर वेक्टर ले लो। आप क्या ले लो बच्चों? तो कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर को बिल्कुल आसान मान लो ना, आई जे के मान लो, है ना, आई प्लस जे प्लस के। और बी वेक्टर को बच्चों इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लो, मतलब इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना ही ले लो, इसका डबल ले लो, यानी कि हर कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। है, ये कर दिया। ये क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको ऐसे ही एग्जाम में, बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स। दोनों के दोनों वेक्टर क्या है बच्चों? नॉन जीरो वेक्टर्स है। अब निकालना एक रोस बी। अब एक रोस बी निकालो, क्या आएगा? आई जे के, यहाँ पे ए के कोफिशिएंट, यहाँ पे बी के कोफिशिएंट। और डिटरमिनेंट के अंदर देखो, या तो इसको सोल्व कर लो, एक्सपेंड कर दो, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता ना तो इसको एक्सपेंड कर दो, जीरो आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पता है तो थर्ड रो में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन लेके बाहर कर दो। डिटरमिनेंट में अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम में से कॉमन अलग अलग आता है, ठीक है। ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ? जीरो। क्यों जीरो आ गई? क्योंकि यहाँ पे R2 और R3 इक्वल है। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? जीरो। तो क्या लिखेंगे हेयर? एक रोस बी जीरो आ गया, ये जीरो वेक्टर बोलते हैं इसको, है ना। एक रोस बी क्या आ गया बच्चों? जीरो वेक्टर। बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये खुद क्या है बच्चों? नॉन जीरो है। और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गई? जीरो। तो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, उनमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, दोनों के दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ये देखो, अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हम एग्जाम्पल में कर ही चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालोगे बताओ? पहले ए बी वैक्टर निकालना, फिर ए सी वैक्टर निकालना, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और उसका क्या निकाल लेना? मैग्नीट्यूड। यही क्या होता है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ए से पास होने वाला वेक्टर ए बी ए सी, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट और उसका क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। खत्म क्वेश्चन, एग्जाम्पल हमने किया ही है आज से। अब देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है ना। तो क्या करो, ये भी कर लिया। एग्जाम्पल आप कर लोगे ना तो पूरी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। एक रोस बी निकालो, आई जे के, और ये 1 - 1 3, और ये कितना है? 2 - 7 और 1। तो निकालो इसको आई, और ये बच्चों कितना है आपका? -1 और प्लस के 21 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और माइनस के जे, और ये कितना आएगा? 1 - के 6 यानी -5, और प्लस के ये कितना आएगा? -7 + 2 यानी -5। तो ये आपका आ गया 20i प्लस 5j और प्लस 5k आ गया ये। अब अपने को क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है फॉर्मूला बताओ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एक रोस बी जो आपने निकाला है ना, बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और क्वेश्चन आपका खत्म। देखो 20 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखोगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ फिर लिखोगे 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका? 400, और ये आपका आ गया 25 + 25 50, 450 आ गया। 450 को आप क्या लिख दो? 9 5 जा होता है ना, 9 × 5 × 10 लिख दो, यानी फैक्टर बनाने हैं बस। 9 को 3 × 3 लिख दो, और 5 और 10 को क्या लिख दो? 5 × 2 लिख दे। तो देखो एक तो 3 बार आ जाएगा, एक 5 बार आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 15√2, 15√2 स्क्वायर यूनिट्स बच्चों इस पैरेललोग्राम का क्या आएगा? एरिया आएगा। खत्म क्वेश्चन। अब देखो 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो वेक्टर है ए और बी, इस तरह से है कि ए वेक्टर की लेंथ इतनी है, बी वेक्टर की इतनी है, और एक रोस बी एक यूनिट वेक्टर है। तो एंगल बताओ इन दोनों के बीच का क्या होगा? इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, यानी कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा? आप ये मान लो कि ये यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है और आपको थीटा निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ क्या है? एक रोस बी जो है वो एक क्या है? यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसकी लेंथ क्या है? 1 है। अब क्वेश्चन के अंदर इनके डिटरमिनेंट, इनके मैग्नीट्यूड की भी बात आ गई, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। एक रोस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सबसे पहला फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, और एन कैप, है ना। एन क्या होता है? जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, वही होता है। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर ये फॉर्मूला होता है तो इनका मैग्नीट्यूड ले लूँ मैं दोनों तरफ, क्योंकि मेरे को तो मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो पूरे के ऊपर मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दो, पूरे के ऊपर बच्चों मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा दो, और मैग्नीट्यूड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब इस देखो ये तो इससे बाहर आएगा तो यही रहेगा है ना, साइन के ऊपर मैग्नीट्यूड लग जाएगा और एन कैप का मैग्नीट्यूड। अच्छा एन एक यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, 1 होता है ना। तो यानी कि यहाँ से आपका यहाँ तक पहुँच गए हम है ना, ये कितना होता है आपका बच्चों 1 होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, या तो आप सीधा ही याद कर सकते हो कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा और इसका मॉडुलस है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, देखो 1 दे रखी है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो ऊपर कितना है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √2/3 इंटू में मोड ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से ये 3 से 3 कट गया और √2 को नीचे ले आओ, यानी कि मोड साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई 1/√2 और 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 लिख सकते हो ना, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा कितना आ गया बच्चों आपका 45 डिग्री, और 45 डिग्री को क्या बोलते हैं π/4। आंसर कितना आ गया π/4 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों 12th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव में नहीं आता क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें यह बोल रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है आपको जिसके वर्टिसेस ABCD है और इनके पोजीशन वेक्टर। बच्चों मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ करते हैं, ये जो 4 वेक्टर दे रखे हैं ना इनको साइड्स के वेक्टर ले लेते हैं। ये साइड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि ये इस रेक्टेंगल के पोजीशन वेक्टर है। मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हो क्या होता है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड के जो वेक्टर होते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अच्छा रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम का बेटा है ना, यानी कि ये भी पैरेललोग्राम तो है ही। पैरेललोग्राम की सिर्फ प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट साइड इसकी पैरेलल होनी चाहिए, और रेक्टेंगल की भी होती है। मतलब कि हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं, यानी कि इसका एरिया भी वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे कि पैरेललोग्राम का निकालते हैं। बस इस क्वेश्चन में हमारे को एडजेसेंट वेक्टर दे नहीं रखे बल्कि हमारे को निकालने पड़ेंगे, ठीक है, खुद निकालेंगे। ये इन पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर है बच्चों, मतलब कि ए के अंदर लिखेंगे इसको, ए भी वैक्टर नहीं है, ए के अंदर क्या है -i ये लिख रहा हूँ मैं, +1/2j और +4k। लिखने में कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, फिर मैं इस वेक्टर को लिख रहा हूँ क्या, b वेक्टर। ये a वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर है इसका, ठीक है। ये इसको लिख दो यहाँ पे i +1/2j और +4k। फिर किसको लिख लो, c को लिख लो, i -1/2j और +4k, और d को लिख लो, लिखना चाहो तो -i -1/2j और +4k। बच्चों इन चारों पॉइंट के मैंने क्या लिख दिए, ये पोजीशन वेक्टर लिख दिए। लेकिन मेरे को तो अगर इसका एरिया निकालना है तो मेरे को तो ये वेक्टर चाहिए है ना, जो इसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है। ए बी वेक्टर चाहिए और एक क्या चाहिए, बीसी वेक्टर। ए बी वेक्टर निकालो बच्चों, ए बी वेक्टर क्या होता है बताओ। ए बी वेक्टर होता है बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए करो। ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये ए का, पहले बी वाला लिखो फिर ए वाला, इसमें से ये माइनस करो। बताओ आई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2i हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है अपने को। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मतलब 0j बच जाएगा, और फिर 4k +4k ये भी कट जाएगा, यानी कि 0k बच जाएगा। तो ये आपका आ गया बच्चों क्या, ए बी। अब निकाले BC पोजीशन वेक्टर, सॉरी BC वेक्टर। BC वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यानी कि सी वाले, इसमें से ये माइनस करना है, पहले ये लिखो फिर ये। देखो आई से आई कट जाएगा, -1/2 और ये माइनस हो जाएगा है ना, तो -1/2 -1 हो जाएगा, और ये +4 ये क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे आपके, यानी कि 0k हो जाएंगे। तो ये अपना क्या आ गया, ए बी वैक्टर BC वैक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ आपको रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब तो क्वेश्चन खत्म। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इन दोनों वैक्टर की बच्चों क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका क्या निकाल दो, आपका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो करे क्रॉस प्रोडक्ट, देखो ए बी क्रॉस BC, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के ऊपर लिखो, ए बी के कोफिशिएंट देखो, ए बी के बच्चों 2 0 0 कितने हैं, 2 0 0, और BC के कितने हैं 0 -1 0, ये क्या है बच्चों 0 -1 और 0। अब हम एरिया निकालते हैं इसका, मतलब कि वैल्यू सोल्व करते हैं इसको। आई 0 -0 माइनस के जे, ये कितना आएगा आपका 0 और प्लस का k, और ये कितना आएगा बच्चों -2 आ जाएंगे ना, यानी -2k आ गया। ये क्या आ गया आपका -2k वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या आएगा बच्चों, -2k का स्क्वायर पर स्क्वायर रूट यानी कि 4, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यही तो होता है एरिया। दैट इंप्लाइज एरिया क्या आ गया इस रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 2 स्क्वायर यूनिट्स और क्वेश्चन खत्म। देख लो अब 2 स्क्वायर यूनिट कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 10.4। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको आराम से करवा दिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस एक्सरसाइज का रिजल्ट है ना वो ये है कि जो A क्रॉस B वेक्टर होता है ना, ये एक ऐसे वेक्टर होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। अब एक रिजल्ट क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल के और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए वेक्टर और बी वेक्टर होते क्या है, इनकी साइड्स को, इनकी एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर होते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसको मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से क्या करना है डिवाइड। अच्छा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं, ये ध्यान से रखना बच्चे। यहाँ पे मैं कहता हूँ 99% बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो इनके पोजीशन वेक्टर को ही ए वेक्टर मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये जो ए वेक्टर होता है ना बच्चों, ये ए से लेके बी, ए से लेके बी, और ये ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। मतलब कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं इन तीनों पॉइंट्स के, तो पहले आप क्या करोगे, ए वेक्टर निकालने के लिए बी का पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे, है ना। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक जीरो वेक्टर आ जाए तो ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, इसको कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो। मैंने बता रखा है आपको वेक्टर के अंदर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का बिल्कुल अलग अलग मतलब नहीं है। पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स एक अलग चीज़ है, कोलिनियर वेक्टर एक अलग चीज़ है। चाहे वेक्टर को कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज होगी बच्चों 10.4 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे उसके एग्जाम्पल कराऊंगा मैं और हर एक अनसोल्व क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।